अंदर भी यूथ बॉयज एंड गर्ल्स और 56वीं पुरुष और 32वीं महिला जूनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन 2019 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता और अब आई हैं मार्टिना देवी। पहला प्रयास क्लीन जर्क का 76 किलोग्राम पर मणिपुर की प्रतियोगी और ये देखिए जर्क, सुंदर जर्क, संतुलित प्रयास इनका, कोई दिक्कत नहीं हुई और ये गुड लिफ्ट। और अब आ रही हैं प्रीति देशमुख 76 किलोग्राम पर पहले प्रयास में क्लीन एंड जर्क करने की कोशिश, महाराष्ट्र की प्रतियोगी। ये देखिए क्लीन किया, आसान सा क्लीन प्रीति का और जर्क के लिए कंसंट्रेट कर रही है डीप और ये पुश, सुंदर पुश, पूरा ऊपर गया एक ही बार में और लॉक करने में सफल। ये देखिए गुड लिफ्ट। और अब आ रही हैं एक बार फिर मोहना प्रिया, तमिलनाडु की प्रतियोगी, दूसरी बार 76 किलोग्राम उठाने की कोशिश, बिल्कुल ग्रिप किया और ये क्लीन की, आसान क्लीन करती हैं मोहना प्रिया, लेकिन जर्क में कुछ प्रॉब्लम है इनको और जर्क की तैयारी में देखिए लेफ्ट हैंड को बार बार हिला रही हैं, लेकिन इस बार सफल हुई, सुंदर प्रयास, पुरजोर कोशिश की इन्होंने और ये गुड लिफ्ट मोहना प्रिया की। और अब आई हैं ये मार्टिना देवी, दूसरा प्रयास 78 किलोग्राम पर मणिपुर की प्रतियोगी, देखिए क्लीन करने में सफल सुंदरता के साथ और ये जर्क इनकी अच्छी है, अच्छा जर्क, संतुलन बनाया, पुश किया और ये रेफरी जजमेंट गुड लिफ्ट। और ये श्रीमती एक बार फिर तीसरे अंतिम प्रयास में 78 किलोग्राम पर पुदुचेरी की प्रतियोगी, क्लीन एंड जर्क विधा में उठाने की कोशिश, ये देखिए एक बार फिर सीधे हाथ को बारबेल झुकी हुई और जर्क इनकी थोड़ी सी कमज़ोर लगती है मुझे, देखने इस बार क्या करती हैं। और ये जर्क की तो है लेकिन देखते हैं, प्रेस आउट का फॉल्ट नहीं, रेफरी ने कहा गुड लिफ्ट। और अब आ रही हैं अपने पहले प्रयास में 80 किलोग्राम उठाने की कोशिश, क्लीन एंड जर्क में कर्नाटक की प्रतियोगी उषा, ये देखिए जर्क की, बहुत आसान क्लीन और जर्क इनके लिए कोई परेशानी का सबब नहीं बनी और ये गुड लिफ्ट। और अब आए हैं महाराष्ट्र की प्रतियोगी स्नेहल भोगले, 83 किलोग्राम पर पहला प्रयास क्लीन एंड जर्क का, ये देखिए सुंदर क्लीन इनका और ये जर्क, सुंदर प्रयास जर्क का, गुड लिफ्ट। और ये अब आ रही हैं मार्टिना देवी, मणिपुर की प्रतियोगी हैं, तीसरा अंतिम प्रयास क्लीन एंड जर्क का, 83 किलोग्राम भार वर्ग में, ये देखिए क्लीन, थोड़ी मुश्किल हुई पर अंततः सफल और ये जर्क, सुंदर जर्क मार्टिना का, आगे आई, संतुलन बनाया और ये गुड लिफ्ट। और ये आई हैं प्रीति देशमुख, महाराष्ट्र की प्रतियोगी, हाथ उठाकर एल्बो शो कर रही हैं अपने कि ये मेरी बैंड रहती हैं, सीधी नहीं होती हैं। तीसरा प्रयास क्लीन एंड जर्क का 83 किलोग्राम पर, ये आसान सा क्लीन प्रीति का, जर्क की तैयारी और ये पुश किया और एल्बो लॉक करने में सफल और ये गुड लिफ्ट प्रीति की। और अब आई है एक बार फिर बनीता घाड़ी, उड़ीसा की प्रतियोगी, दूसरा प्रयास क्लीन एंजर का, 88 किलोग्राम उठाने की कोशिश, इससे पहले 85 किलोग्राम अपने पहले प्रयास में सफलतापूर्वक उठा पाई थी, सेंटर किया, कंसंट्रेट किया अपने आप को, बारबेल को ग्रिप किया, पोजिशन ले रही हैं कंसनट्रेट करते हुए, ये देखिए क्लीन पुल, उठने में थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन अंततः सफलता मिली, एडजस्ट किया बारबेल को, जर्क की तैयारी में बनीता और ये पुश, सुंदर पुश, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जर्क का, बनीता का सुंदर प्रयास, गुड लिफ्ट। उषा एक बार फिर कर्नाटक की प्रतियोगी, अपने तीसरे अंतिम प्रयास में 89 किलोग्राम जर्क, देखिए कितनी सुंदर जर्क इनकी और ये गुड लिफ्ट। अब आई हैं बनीता घाड़ी, 90 किलोग्राम उठाने की कोशिश, तीसरा अंतिम प्रयास क्लीन एंड जर्क का, 159 किलोग्राम टोटल कर चुकी हैं पहले और तीसरे स्थान पर बनी हुई हैं, अगर ये इसे उठाती हैं तो 161 किलोग्राम टोटल हो जाएगा इनका, लेकिन इनसे पहले शिवांगी 165 किलोग्राम का नया रिकॉर्ड टोटल का कर चुकी हैं। और ये जर्क की तैयारी में बनीता घाड़ी, उड़ीसा की प्रतियोगी, ये देखिए कोशिश सुंदर इनकी जर्क के लिए, धीरे से संतुलन बनाया, पैर मिलाए और ये रेफरी का इशारा डाउन का और गुड लिफ्ट बनीता घाड़ी की। और अब आ रही हैं स्नेहल भोगले, महाराष्ट्र की प्रतियोगी, इनके नाम 6 राष्ट्रीय रिकॉर्ड थे लेकिन कुछ भंग हुए हैं,
और अब कुल चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड बचे हैं। और ये क्लीन की इन्होंने सुंदर, और जर्क की तैयारी में स्नेहल पहले क्लीन नहीं कर पाई थी, ये तीसरा अंतिम प्रयास इनका। सुंदर जर्क, कोई परेशानी इनको नहीं हुई। और ये गुड लिफ्ट, यूपी की प्रतियोगी, पहले दो रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। इस बार रिकॉर्ड लिफ्ट स्नैच की 93 किलोग्राम की, पहले 92 किलोग्राम का रिकॉर्ड था स्नेहल भोगले का, उसको तोड़ने का प्रयास। देखिए सुंदर क्लीन की इन्होंने, और इसके बाद जर की तैयारी में शिवांगी सिंह, अगर ये इसको कर पाती हैं तो स्नैच का भी नया रिकॉर्ड किया है इन्होंने, और जर का भी नया रिकॉर्ड 93 किलो से टोटल का। ये देखिए सफल हुई शिवांगी, सुंदर लिफ्ट। ये देखिए प्लस 81 किलोग्राम भार वर्ग की यूथ महिलाओं की प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण, मोहना प्रिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तमिलनाडु की प्रतियोगी, 141 किलोग्राम भार उठाया इन्होंने। और सिल्वर मेडल गया मार्टिना देवी को, जो मणिपुर की प्रतियोगी हैं, 147 किलोग्राम भार उठाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। और ये देखिए मुख्य अतिथि इनको टी शर्ट और पारितोषिक और मेडल प्रदान करते हुए, मुख्य अतिथि श्री सुरेश प्रसाद सिंह, सेक्रेटरी जनरल बिहार वेटलिफ्टर्स एसोसिएशन। और ये चैंपियन प्रीति देशमुख, महाराष्ट्र की प्रतियोगी, 1 किलो ज़्यादा सिर्फ उठा पाई और पहला स्थान मिला, 148 किलोग्राम भार उठाया इन्होंने मार्टिना देवी से 1 किलोग्राम ज़्यादा। कड़ा संघर्ष इस प्रतियोगिता में रहा, प्लस 81 किलोग्राम यूथ गर्ल्स की प्रतियोगिता, ये आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर। 87 किलोग्राम भार वर्ग की जूनियर्स महिला प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण, ब्रॉन्ज मेडल जीता कर्नाटक की प्रतियोगी उषा एस आर ने, 160 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। और सिल्वर मेडल गया बनीता घाड़ी, उड़ीसा की प्रतियोगी, 161 किलोग्राम वजन उठाया सिर्फ 1 किलो ज़्यादा थर्ड प्लेस से, और एक बार वो नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्नैच का 71 किलोग्राम का बनाने में सफल हुई थी। अच्छी प्रतियोगी, लेकिन चैंपियन और गोल्ड मेडल गया उत्तर प्रदेश को शिवांगी सिंह के रूप में, 169 किलोग्राम भार उठाकर पहला स्थान प्राप्त किया। और स्नैच का नया कीर्तिमान जो बनीता घाड़ी ने बनाया था 71 किलो का, उसको ध्वस्त करने में सफल हुई। और इस प्रकार पुराना रिकॉर्ड सेहन भोगले का क्लीन एंड जर्क में भी 93 किलोग्राम से तोड़ा, और टोटल का रिकॉर्ड भी जो 161 किलोग्राम का बनीता घाड़ी ने बनाया था उसको तोड़ने में सफल हुई शिवांगी सिंह 169 किलोग्राम से। तो शिवांगी सिंह चैंपियन बनी, और इन्होंने रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड स्नैच क्लीन एंड जर्क और टोटल तीनों के रिकॉर्ड अपने नाम किए। राष्ट्रीय रिकॉर्ड 87 किलोग्राम जूनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप्स यहाँ बोधगया 2019 में। और अब ये एक स्पेशल प्राइज, इच्छा पटेल को विक्ट्री स्टैंड पे बुलाया गया है, स्पेशल चाइल्ड हैं, यूपी का रिप्रेजेंटेशन किया इन्होंने, पदक तो नहीं जीत पाई लेकिन अपनी लिफ्टिंग पूरी की। स्पेशल चाइल्ड हैं, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित, पूरा प्रयास इनका कि मैं वापस आऊं, और इनके माता पिता का भी, इसलिए वो इनसे लगातार भारोत्तोलन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, स्टेट में, नेशनल में, और पूरी कोशिश है हमारी भी प्रार्थना कि भगवान इनको ठीक करे। अब आप देखेंगे प्लस 87 किलोग्राम भार वर्ग की जूनियर महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का ये पारितोषिक वितरण। इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है आई श्रीमती पुदुचेरी की प्रतियोगी, 140 किलोग्राम भार उठाया और तीसरा स्थान प्राप्त किया इन्होंने। इनकी बेस्ट स्नैच 62 और बेस्ट क्लीन एंड जर्क 78 किलोग्राम, कुल टोटल 140 किलोग्राम। सिल्वर मेडल जीता उत्तर प्रदेश की स्वाति यादव ने, 145 किलोग्राम भार उठाया और दूसरा स्थान प्राप्त किया। बेस्ट स्नैच 63 किलोग्राम, बेस्ट क्लीन एंड जर्क 82 और 145 किलोग्राम टोटल बनाने में सफल हुई। लेकिन चैंपियन और गोल्ड मेडल गया महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की प्रतियोगी स्नेहल भोगले
जिनके 87 किलोग्राम भार वर्ग में जूनियर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड थे जो शिवांगी सिंह ने तोड़े। उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी ने 163 किलोग्राम भार उठाकर स्नेहल भोगले पहले स्थान पर रही महाराष्ट्र की प्रतियोगी, लेकिन अभी भी इनके प्लस 81 किलोग्राम यूथ के रिकॉर्ड कायम हैं। बहुत सुंदर प्रतियोगी, अच्छी लिफ्टिंग की इन्होंने, और ये देखिए विनर्स का आपस में हाथ मिलाकर उठाकर अभिवादन एक दूसरे का। ये देखिए आखिरी ग्रुप 100+102 और 109 किलोग्राम का जूनियर मैन अखंड प्रताप सिंह यूपी, वस्थन पुदुचेरी, गगनदीप गिल पंजाब, और रुद्र मैन तमिलनाडु, कुशल गौड़ा, राजवीर सिंह, अनुराग फ्रॉम उत्तराखंड, गगनदीप चंडीगढ़, और ये अविनाश। कुल 9 प्रतियोगी 2 ग्रुप में हिस्सा ले रहे हैं पुरुष जूनियर्स। और अब ये आए हैं गगनदीप सिंह, पंजाब के प्रतियोगी। पहला प्रयास इनका 112 किलोग्राम वजन स्नैच में उठाने की कोशिश। ये नी कैप इन्होंने यथास्थान पर की, ऊपर खिसकाई। और ये स्नैच पुल देखिए, सुंदर पुल था लेकिन संतुलन नहीं बना, लेफ्ट एल्बो प्रेस आउट हुई और ये आगे गिरा, और ये नो लिफ्ट। और अब एक बार फिर गगनदीप गिल पंजाब के प्रतियोगी 112 किलोग्राम पर दूसरी बार स्नैच विधा से उठाने की कोशिश, पहले असफल रहे थे। प्लस 102 किलोग्राम वर्ग के यूथ सेक्शन के प्रतियोगी, और ये देखिए सुंदर स्नैच इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये देखिए गुड लिफ्ट। और अब आ रहे हैं अनुराग, उत्तराखंड के प्रतियोगी, प्लस 109 किलोग्राम भार वर्ग पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। पहला प्रयास इनका 118 किलोग्राम पर स्नैच का। ये देखिए स्नैच पुल, सुंदर पुल सधा हुआ, और एकदम ऊपर लॉक किया इन्होंने, वन एक्शन स्नैच, गुड लिफ्ट। और अब आ रहे हैं गगनदीप गिल पंजाब के प्रतियोगी, तीसरा और अंतिम प्रयास इनका 120 किलोग्राम पर स्नैच विधा से उठाने की कोशिश। पहले 112 किलोग्राम सफलतापूर्वक उठा चुके हैं गगनदीप, देखिए बारबेल को बार बार मजबूती देते हुए ग्रिप को पोजीशन ली, ये पुल किया और हेड पीछे गया पुल में, काफ़ी ऊपर बॉडी को स्ट्रेच किया, और ये लॉक किया एल्बोज को, और रेफरी का जजमेंट गुड लिफ्ट। और अब आ रहे हैं अनुराग, उत्तराखंड के प्रतियोगी, एक बार फिर तीसरा और अंतिम प्रयास इनका 124 किलोग्राम, पहले 122 किलोग्राम पर असफल रहे थे लेकिन 2 किलोग्राम बढ़ाकर तीसरे प्रयास में अनुराग स्नैच विधा में उठाने की कोशिश। ये देखिए ग्रिप की, बारबेल पुल किया और ये होल्ड करने में सफल, ये देखिए सुंदर स्नैच, कोई दिक्कत नहीं हुई, संतुलन बनाए रखा, और ये गुड लिफ्ट। और अब आ रहे हैं राजवीर सिंह पंजाब के प्रतियोगी, पहला प्रयास 125 किलोग्राम पर, प्लस 109 किलोग्राम भार वर्ग में जूनियर पुरुषों की प्रतियोगिता में जिसका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 126 किलोग्राम है, पहले प्रयास में 125 किलोग्राम उठाने की कोशिश। पूरा चौड़ा पकड़ा राजवीर ने, पुल किया, बैलेंस बनाया, पीछे जा रहा था वेट, और ये बैलेंस बनाने में सफल, लेकर खड़े हुए आसानी से उसके बाद, और ये गुड लिफ्ट। और अब आए हैं कुशल गौड़ा, दूसरा प्रयास कर्नाटक के प्रतियोगी, पहले प्रयास में असफल रहे थे 125 किलोग्राम पर स्नैच विधा से उठाने की कोशिश, मजबूत पकड़ा और ये देखिए थ्रो किया बारबेल को ओवर दी हेड सेंटर में, इस बार संतुलन बनाने में सफल, और ये गुड लिफ्ट। और ये देखिए अब आए हैं केवी कुशल गौड़ा,
कर्नाटक के प्रतियोगी, तीसरा अंतिम प्रयास इनका भी प्रयास कि मैं नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करूं स्नैच में प्लस 109 किलोग्राम भार वर्ग में पुरुषों की जूनियर प्रतियोगिता। ये पुल किया और ये देखिए पूरा थ्रो किया ऊपर, सुंदर सा प्रयास इनका, गौड़ा का संतुलन बनाया और ये गुड लिफ्ट और एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करने में सफल। और अब आ रहे हैं राजवीर सिंह, पंजाब के प्रतियोगी, तीसरा और अंतिम प्रयास स्नैच का 130 किलोग्राम पर। अभी जो एक राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया था कुशल गौड़ा ने, उसके बराबरी करने की कोशिश। स्नैच विधा में ये प्रतियोगिता चल रही है। पुल किया और ये देखिए इस बार संतुलन बनाया, पीछे जाने से रोका राजवीर ने, और ये गुड लिफ्ट और इन्होंने एक बार बराबरी की नए राष्ट्रीय कीर्तिमान की जो कुशल गौड़ा ने बनाया था। नो गुड लिफ्ट। और देखिए ये आ रहे हैं अविनाश, पंजाब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पहला प्रयास और उसी में 133 किलोग्राम भार, नया राष्ट्रीय कीर्तिमान के बराबर वजन जो अभी कुशल गौड़ा ने 130 किलोग्राम का बनाया था उसको तोड़ने का प्रयास अविनाश का। लंबे चौड़े गठीले वजन के सुंदर प्रतियोगी, और देखिए कितनी आसानी से अविनाश ने बिना किसी मुश्किल के ये नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बना दिया 133 किलोग्राम का स्नैच में। अविनाश पंजाब के प्रतियोगी दूसरे प्रयास में 138 किलोग्राम, अभी अभी जो 133 किलोग्राम का नया रिकॉर्ड बनाया था स्नैच का, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए यहाँ प्रयासरत। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से बड़ी आसानी से 138 किलोग्राम उठाने में सफल, गुड लिफ्ट फिर एक बार और ये नया कीर्तिमान इनका। और अब आ रहे हैं एस रुद्रमायन, तमिलनाडु के प्रतियोगी, तीसरा अंतिम प्रयास स्नैच का, यूथ वर्ग में प्लस 102 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेते हुए 142 किलोग्राम, और ये नया राष्ट्रीय कीर्तिमान एक बार फिर आगे आए, संतुलन बनाया, देखते हैं जजमेंट, और ये गुड लिफ्ट एक और नया कीर्तिमान, ऐसा कीर्तिमान शायद सालों तक इसे कोई छू ना पाए। अब आ रहे हैं अविनाश अपने तीसरे अंतिम प्रयास में 145 किलोग्राम, पहले दो बार नए राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, प्लस 109 किलोग्राम भार वगैरह में हिस्सा लेते हुए। ये देखे सुंदर, थोड़ी परेशानी हुई, मुश्किल हुई उठने में, लेकिन सुंदर प्रयास और अविनाश का, और ये नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्नैच का, गुड लिफ्ट प्लस 109 किलोग्राम भार वर्ग में जूनियर्स प्रतियोगिता में। और अब आ रहे हैं के वी कुशल गौड़ा, कर्नाटक के प्रतियोगी, दूसरा प्रयास इनका 159 किलोग्राम पर क्लीन एंड जर्क में, पहले प्रयास में 155 किलोग्राम उठाने में सफल हुए थे, 280 किलोग्राम टोटल बनाकर तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। देखिए सुंदर क्लीन 159 किलोग्राम की, और बार बार इधर उधर एडजस्ट करने में डगमगाए थे थोड़े से, लेकिन संभालने में सफल, फिर तैयारी कर रहे हैं अभी जर्क की, स्टेडी हुए, और ये जर्क का ये देखिए कितनी सुंदर पुश जर्क करने में सफल कुशल गौड़ा, बहुत ताकतवर प्राणी, 2-1 से गुड लिफ्ट। एस रुद्रमायन तमिलनाडु के प्रतियोगी, इनके नाम तीनों रिकॉर्ड दर्ज हैं, प्लस 102 किलोग्राम यूथ वर्ग में, और ये 160 किलोग्राम पहले प्रयास में क्लीन जर्क में उठाने की कोशिश, और ये जर्क सुंदर जर्क, स्पीडी जर्क, और ये गुड लिफ्ट 160 किलो पर पहला प्रयास, गुड लिफ्ट इनका। और अब आ रहे हैं अविनाश पंजाब के प्रतियोगी 160 किलोग्राम पर, लेकिन ये प्लस 109 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखिए तिरछी बारबल राइट साइड को झुकी हुई, और ये जर्क, लेकिन जर्क करने में सफल, थोड़ा लेफ्ट एल्बो ने प्रेस आउट किया, रेफरी कहते नहीं, गुड लिफ्ट 3 वाइट्स। गगनदीप सिंह चंडीगढ़ के प्रतियोगी, सुंदर क्लीन करते हैं लेकिन जर्क में कुछ कमजोर, दो राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनके नाम पहले भी बता चुका हूं, और ये क्लीन की इन्होंने, गगनदीप ने 161 किलो की, जर्क के लिए बारबेल को एडजस्ट किया, ग्रिप को एडजस्ट किया जर्क की तैयारी में, डिप और ये पुश, और इस बार सफल होल्ड कर पाने में सफल, संतुलन बनाने में सफल, देखिए क्या जजमेंट है, गुड लिफ्ट रेफरीज का, तीनों वाइट। इससे पहले
एक और नया राष्ट्रीय कीर्तिमान क्लीनेंजर का 160 किलोग्राम उठाकर बना चुके हैं रुद्रमायन और 302 किलोग्राम का टोटल का, अब 165 किलोग्राम पर अपना ही रिकॉर्ड बनाया हुआ ध्वस्त करने की कोशिश। ये देखिए सुंदर क्लीन इनकी, और ये अगर इसे उठाते हैं तो टोटल का भी रिकॉर्ड टूटेगा। सुंदर जर्क, बहुत सुंदर प्रयास रुद्रमायन का, तालियों की गड़गड़ाहट से अभिवादन किया, और ये गुड लिफ्ट, दो और रिकॉर्ड इनके नाम। और अब आ रहे हैं अविनाश पंजाब के प्रतियोगी, तीसरा और अंतिम प्रयास क्लीन एंड जर्क का और इस प्रतियोगिता का इनका 165 किलोग्राम पर, जो ऑलरेडी एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान तीन बना चुके हैं। और ये देखिए जर्क, जर्क में इस बार सफल, सुंदर पुश किया इन्होंने, संतुलन किया बनाया, और ये गुड लिफ्ट अविनाश की, और इस प्रकार 310 किलोग्राम भार उठाकर पहले स्थान पर बने हुए नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ प्लस 109 किलोग्राम भार वर्ग में। और अब आ रहे हैं एस रुद्रमायन, जिन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी है, और ये तमिलनाडु के प्रतियोगी 170 किलोग्राम पर तीसरा प्रयास, 307 किलोग्राम उठाकर नया रिकॉर्ड बना चुके हैं, और ये 170 का भी नया रिकॉर्ड। ये देखिए आपके सामने बहुत सुंदर प्रयास जर्क का, अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़कर कितने खुश हैं 165 किलोग्राम का क्लीन एंड जर्क का, और टोटल का भी 307 किलोग्राम का, अब नया रिकॉर्ड रुद्रमायन के नाम एक बार फिर, एक प्लस 102 में यूथ वर्ग में 312 किलोग्राम का टोटल और 170 किलोग्राम का क्लीन एंड जर्क का। अब आपके समक्ष डीडी स्पोर्ट्स पर एक बार फिर स्वागत है, यूथ प्लस 102 किलोग्राम भार वर्ग बॉयज़ की प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण, और मुख्य अतिथि गया के जिलाधिकारी श्री अभिषेक कुमार। अभी ब्रॉन्ज मेडल अखंड प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को 219 किलोग्राम भार उठाया कुल, सिल्वर मेडल जीता गगनदीप गिल पंजाब के प्रतियोगी 267 किलोग्राम भार उठाकर, और ये चैंपियन और गोल्ड मेडल गया तमिलनाडु को एस रुद्रमायन के रूप में। ये एक बहुत बड़े स्वर्ण मिथु भारत के खिलाड़ी हुए हैं, जो सिल्वर मेडलिस्ट थे कॉमनवेल्थ के, उनके बेटे हैं, और इन्होंने इस वर्ग में स्नैच और क्लीन एंड जर्क और टोटल तीनों रिकॉर्डों को ध्वस्त करके दोबारे रीराइट किया है इस प्रतियोगिता में। पहले भी तीन रिकॉर्ड इनके थे, लेकिन अभी इस बार 142 किलोग्राम क्लीन स्नैच और 165 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क करके 107 किलोग्राम का टोटल का नया रिकॉर्ड, तीनों रिकॉर्ड दोबारे से इन्होंने लिख दिए हैं। और अब आप देख रहे हैं प्लस 109 किलोग्राम भार वर्ग पुरुषों की जूनियर प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण। इसमें ब्रॉन्ज मेडल राजवीर सिंह पंजाब के प्रतियोगी ने जीता, 285 किलोग्राम भार उठाया कुल, और राजवीर ने भी बीच में नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन वो दूसरे प्रतियोगी ने तोड़ दिया। ये गगनदीप सिंह, जो पिछले साल इन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए थे इस भार वर्ग में, वो इस प्रतियोगिता में टूट चुके हैं, और इन्होंने 286 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल जीता, लेकिन चैंपियन और गोल्ड मेडल पंजाब को अविनाश के रूप में इन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, 145 किलोग्राम का स्नैच का और 165 किलोग्राम का क्लीन एंड जर्क का, और कुल टोटल 310 किलोग्राम का, तीनों रिकॉर्ड इनके, राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनके नाम आज स्थापित हो चुके हैं। बहुत सुंदर, बड़े ताकतवर खिलाड़ी, बहुत सुंदर प्रतियोगिता इन्होंने लड़ी यहाँ।